ये सवाल है कि ग्रेजुएशन में क्या किया है। इलेक्टिव पंजाबी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक इन्होंने पढ़ा हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में पंजाबी पढ़ी है। ये इनका क्वेश्चन रहा कि मुझे सूटेबल सब्जेक्ट चाहिए कॉम्बिनेशन इन बीएड, तो मुझे कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले हम मैंने फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं क्योंकि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन पंजाबी में की है और इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है। इलेक्टिव पंजाबी पढ़े होने का मतलब क्या है कि इन्होंने 3 ईयर ये वाला जो पॉइंट है पूरा किया है, 3 ईयर गवर्नमेंट जॉब के लिए, और टीजीटी के लिए भी ये एलिजिबल है, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं अगर पंजाबी लेते हैं, और एडिशनल करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए कोई एडिशनल नहीं करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मुझे नहीं पता किसमें है, लेकिन हर हालत में पंजाबी लैंग्वेज इनको लेनी चाहिए हर हालत में, क्योंकि टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ये एलिजिबल हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फिजिकल एजुकेशन के साथ पंजाबी ले या म्यूजिक के साथ पंजाबी ले, क्योंकि इनका मेजर सब्जेक्ट जो है इलेक्टिव पंजाबी नहीं बनेगा, माइनर सब्जेक्ट पंजाबी बनेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सिर्फ बीएड में मेजर और माइनर सब्जेक्ट है, जब गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी कोई मेजर और माइनर नहीं होगा। ये क्राइटेरिया जो बता रहा हूँ वो सिर्फ फुलफिल होंगे। हाँ, आपके मार्क्स कितने आते हैं वो डिजर्व करेंगे, पीएसटेट में कितने मार्क्स हैं वो गिनती होगी उसकी, और आपके सब्जेक्ट का जो टेस्ट होगा वो होगी। तो अब फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में से आपने चूज करना है, उसका क्राइटेरिया अच्छा साइंटिफिक क्या रहना चाहिए। नंबर एक, फिजिकल एजुकेशन और म्यूजिक में से इंटरेस्ट आपका किसमें है ये आपको देखना चाहिए। ये मेरे पास आंसर नहीं है, म्यूजिक या इसमें से इंटरेस्ट जिसमें है उसमें आप प्रेफर कर सकते हो। दूसरा है, इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी नॉलेज लेवल, मास्टरी लेवल किसमें ज्यादा है, क्योंकि अगर फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा है जब वो टेस्ट होगा सब्जेक्ट का टेस्ट, तो आप यहां ज्यादा गेन कर पाओगे। दूसरी बात है कि अगर म्यूजिक में ज्यादा है तो आप टेस्ट में ज्यादा गेन कर पाओगे जब गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तीसरी बात जो आपको नहीं पता, गवर्नमेंट जॉब की अवेलेबिलिटी कितनी रहती है, ये मेरे मेरे को भी क्लियर नहीं है। लेकिन जो 2022 में 1 जनवरी 8 जनवरी 2022 में जो पोस्ट निकली है मास्टर कैडर की, उनकी मैं गिनती बता देता हूँ यहाँ पर, शायद होगा, इसको तो रब करना पड़ेगा। तो वो 25 हैं ये वाली, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर होगा। ये फिजिकल एजुकेशन की 168 थी और म्यूजिक की, ये म्यूजिक भी साथ होगा, म्यूजिक की 25 है। तो फिजिकल एजुकेशन की पिछली बार ज्यादा थी, अब यही ज्यादा रहेगी या नहीं रहेगी ये प्रोबेबिलिटी है। म्यूजिक की 25 रही है, ओके, और फिजिकल एजुकेशन की 168 रही है। आप खुद अब गैस करो कि ये फैक्टर हैं आपको किसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में म्यूजिक की पोस्ट कम ही रहेगी, हर स्कूल में म्यूजिक टीचर नहीं अभी रखा जा रहा है, फिजिकल एजुकेशन का जो टीचर है हर स्कूल में चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने आपके आगे डाटा रख दिया है। हाँ, आपका इंटरेस्ट और मास्टरी जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नॉलेज एंड इंटरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अकॉर्डिंगली देना चाहिए। बायसनेस किधर जा रही है, फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी की तरफ जा रही है, अगर आप पंजाब में हो तो, है ना। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बेस्ट हैं, दो ऑप्शन है, फिजिकल एजुकेशन एंड पंजाबी, म्यूजिक एंड पंजाबी सेकंड। थैंक यू डॉक्टर तीर सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।